गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और पीईटी परीक्षा के नोटिफिकेशन के साथ साथ जो है इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोगों के लिए जो है पीईटी परीक्षा के काउंटडाउन स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी लोगों को ये भी जान करके इतना भी जो है जानना आवश्यक है कि आगामी उत्तर प्रदेश सरकार की सभी जो है वैकेंसी जो है पीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही मौका लेकर के आएगी। तो आप लोगों के लिए जो भी समय बचा हुआ है अपने समय का बेहतर ढंग से जो है कंस्ट्रक्टिव और क्वालिटी टाइम के साथ जो है यूज कीजिए और परीक्षा में मजबूती के साथ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ सावधानियां हैं, कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ रणनीति है। इन रणनीतियों को अगर अपने जो है अध्ययन में आप शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपकी यह दावेदारी और परीक्षा में जो है आपका प्रयास बहुत ही सार्थक होगा। आपका परीक्षा पर जो है पकड़ मजबूत होगी और इसके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना है कि दो घंटे का मात्र दो घंटे का प्रश्न पत्र है। अब यह आप समझिए कि दो घंटे का प्रश्न पत्र आप लोगों के पूरे प्रयास को निर्धारित करता है और आपके परिणाम को बनाता है कि आपका परिणाम कहां जाएगा। तो दो घंटे का जो प्रश्न पत्र है और दो घंटे के जो प्रश्न पत्र में जो है 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की संख्या जो है 100 क्वेश्चन होगी, दो घंटे होंगे और आपको ये जानकारी होगा कि इस दो घंटे में विभिन्न टॉपिक विभिन्न सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें गणित भी है, साइंस भी है, रीजनिंग भी है, इसके साथ साथ जो है जीएस है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, हिंदी है, रीजनिंग, सभी जो है सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका संतुलित ढंग से जो है किया गया प्रयास ही आपको इस परीक्षा में सफल बनाएगा। तो यहाँ पर दो तीन बिंदुओं की जानकारी हम आप तक शेयर कर रहे हैं जो कि आप लोग अपने परीक्षा के दौरान यूज करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि आपको पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा जो है चर्चा करना होगा। पाठ्यक्रम के लिए चूंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है तो आप इसी चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे जहां पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के रूप में 70 वीडियो के क्लासेस डाले गए हैं। बहुत ही मैराथन ढंग से जो है आप लोगों को सिखाया और पढ़ाया गया है। आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी बताई गई है जिससे वह सारी कमियां दूर हो सकती हैं जो आपके पूर्व के जो है परीक्षाओं में होते रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को कवर किया गया है। 70 लेक्चर डाले गए हैं, सभी लेक्चर 20 से 25 मिनट के हैं, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से जो है आप इसको सीख सकेंगे और आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने में मदद करेगा। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप इसी वीडियो के जो है सब्सक्रिप्शन में देखेंगे कि यहां पर इसका लिंक दिया गया है जिसे आप जाकर के जो है इस लिंक पर वह सारे जो है वीडियो देख पाएंगे। तो पाठ्यक्रम को इस रूप में आपको कवर करना है। दूसरी जो है महत्वपूर्ण चीज है कि चूंकि परीक्षा जो है यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा है और यह सामान्यतः देखने में आया है कि जो भी बोर्ड या कमीशन कोई पेपर आयोजित करता है उसके प्रश्नों में एक जो है ट्रेंड होता है, सामान्यतः उससे संबंधित सवाल या उसी पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब तक जो यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न वन डे टाइप के एग्जाम में, लोअर पीसीएस के एग्जाम में, सचिव के सेक्रेटरी के पेपर में, बीडीओ के पेपर में, उन सभी जो है प्रश्न पत्रों को आपको जो है रिवीजन करना है। तो यूपी ट्रिपल एससी के पूर्व वर्षों के जो है प्रश्नों को जो है हल करना है जो कि आपकी समझ को, आपके कॉन्फिडेंस को इस परीक्षा के लिए बढ़ाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है स्ट्रेटजी और रणनीति है। अगला यह है कि चूंकि परीक्षा आपके जो है अनुशासन का भी टेस्ट लेता है, इसलिए जो भी प्रश्न आप हल कर रहे हो उस प्रश्न को बहुत ध्यान से और पूरा पढ़ो। ये पूरा पढ़ना बहुत ही जो है आवश्यक है क्योंकि जब आप प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि प्रश्न में पूछा गया कि इसमें से क्या नहीं है और आप करके आते हैं इसे इसमें से क्या है। और चूंकि जब आप पूछा गया कि इसमें से क्या नहीं है तो वहां तीन विकल्प ऐसे होंगे जो है से संबंधित होगा, केवल एक प्रश्न होगा जो नहीं से होगा। और जैसे आप गलती से पढ़ते हैं कि है तो वहां चूंकि तीन जो विकल्प होंगे है से संबंधित उसी में से एक को आप टिक कर देंगे, जबकि वहां एक विकल्प जो है नहीं से संबंधित है और आपको इसी को हल करना होता है। तो यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि पूरा प्रश्न और पूरा विकल्प, पूरा प्रश्न और पूरा विकल्प, पूरा प्रश्न और पूरा विकल्प, यानी कि पूरे प्रश्न पढ़ेंगे और चारों विकल्प आप पढ़ेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि कमीशन आपके संतुलन, आपके अनुशासन की परीक्षा लेने के लिए उसमें मिलते जुलते विकल्प भी डालता है,
इसलिए आपको पूरे विकल्प पढ़ना, ये मेरे स्वयं के अपने जो है करियर की विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर प्राप्त हुए अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक एक प्रश्न आपको जो है सफल बनाने के नज़दीक ले जाएगा। इसलिए पूरे प्रश्न को पढ़िए और उस पूरे प्रश्न पर आधारित चारों विकल्प को पढ़िए और जो उसमें सबसे सही विकल्प है आप उसी विकल्प का जो है चयन कीजिए जो आपको जो सफल बनाएगा। आप ध्यान रखिए, केवल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, गोला जो है ओएमआर सीट के गोले को भरना, या अगर आपकी ऑनलाइन परीक्षा, केवल यही नहीं आगे आने वाली परीक्षाओं को भी इसमें जो है संकलित और समाहित करते हुए आप लोगों को जो है यह सलाह दिया जा रहा है कि आप टिक जो कर रहे हैं क्वेश्चन के आंसर को, या आप गोला भर रहे हैं वहां भी आपके अनुशासन की अत्यंत आवश्यक है। आप जो है इन सभी बातों को जो है अपनी स्ट्रेटजी में सम्मिलित कीजिए। मात्र 15 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो ये हम तीसरी बिंदु के रूप में प्रश्न को पूरा पढ़ना और सभी विकल्प को सम्मिलित करने की बात जो है हम कर रहे हैं। अगली एक और जो बात है वो ये है कि परीक्षा देने से 2 दिन पूर्व आप जो है इसी पैटर्न के प्रश्न पत्र पे आधारित एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट आप जरूर देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है परीक्षा में होने वाली विभिन्न गलतियों से आपको परिचित कराता है। यदि आप कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप परीक्षा में गलत कर सकते हो तो वो गलती आपकी पहले हो जाएगी, यानी कि जो गलती हम परीक्षा में जाकर के करने वाले हैं वो गलती आपके मार्क टेस्ट में हो जाएगी, तो उस मार्क टेस्ट में किए गए गलती को सुधारने का मौका मिलेगा और सुधारे हुए स्ट्रेटजी को आप ले जाएंगे अपने जो है परीक्षा हाल में जो आप उतारेंगे। और जब आप मार्क टेस्ट दे चुके होते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप एक बार परीक्षा दे चुके हैं, आप उसी 100 प्रश्न के जो है कॉन्सेप्ट को जो 2 घंटे में जो है प्रयास कर चुके होते हैं, रणनीति पर प्रयास कर चुके होते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप हाल में परीक्षा दे रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके अपने जो है स्टडी रूम में जो है पेपर हल कर रहे हैं, आपके ऊपर टेंशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, स्ट्रेटजी आपकी जो है बनी हुई है, टाइम का मैनेजमेंट सारा कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ होने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बातें जो है रही जो कि मैं आप लोगों को इस पीईटी के जो है एडमिट कार्ड जारी होने के साथ साथ जो है शुभकामनाएं भी देने के लिए जो है ये संक्षिप्त लेक्चर आप लोगों के साथ जो पेश कर रहा हूं। इस लेक्चर और स्ट्रेटजी के साथ साथ जो है आप इसी जो है वीडियो के जो है लिंक जो है दिए जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आप जो है इसके माध्यम से इसी चैनल पर जो है उपलब्ध पीईटी के फोल्डर के माध्यम से पूरी महत्वपूर्ण जो है वीडियो की एक सीरीज आपको देखने को मिलेगी। वहां पर एक विस्तृत रणनीति का जो चर्चा जो किया गया है, उम्मीद करता हूं कि यह संक्षिप्त वीडियो आप लोगों के जो है स्ट्रेटजी के लिए, आपके इस परीक्षा के लिए, आपके इस कैरियर के लिए, आपके जो फ्यूचर को उज्ज्वल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बस इतनी ही जो है संक्षिप्त बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप अत्यंत ही धैर्य के साथ परीक्षा में सम्मिलित होइए, अच्छे मार्क्स के साथ जो है आप उत्तीर्ण होइए। अगले लेक्चर में हम पुनः अलग अलग टॉपिक पर जो है कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।